राज्यसभा सदस्य एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक ब्रजलाल ने शुक्रवार को गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गोरखनाथ बाबा के दर्शन किए तथा दर्शन करने के बाद गोरखनाथ मंदिर में बने मीडिया सेंटर में मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की नीति आतंकवादियों की पैरवी और माफिया अपराधियों को संरक्षण देने की है। सपा सरकार में निर्दोषों की जान लेने वाले आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए अदालतों में पैरवी की, वही माफिया को माननीय बनाया। उन्होंने कहा कि शायद 37 साल से अधिक पुलिस सेवा के करियर में पहली बार उन्होंने अपराधियों पर कठोर कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन में देखी है। सुरक्षा के दौर में यूपी में न केवल निवेश बढ़ा बल्कि ठहरे हुए विकास को भी रफ्तार मिला है। उन्होंने माफियाओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा, डीपी यादव माफियाओं का माननीय बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। वोट की राजनीति के लिए ददुआ और ठोकिया जैसे डकैतों के परिवार को भी सपा ने ही माननीय की कुर्सियों पर बिठाया। एमपी, एमएलए, ब्लॉक प्रमुख, प्रधान के चुनाव में इन दक्कारों की ही चलती थी, लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी के शासन में अपराधियों की 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति नष्ट कर दी गई है। बड़े बड़े अपराधी बिलों में छिप गए हैं। इन चुनाव में भी बटला हाउस कांड में शामिल आतंकी के परिजन खुलेआम समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्यसभा सदस्य एवं पूर्व पुलिस महानिदेशक ब्रजलाल ने कहा, पूरी ऑफिस में इस काम कर रहे हैं। भैया अभय भैया, हाँ तू ठीक बन जा, आई चले जा। तो उसका उपयोग लोकसभा में हो जाता था। इस बार महाराज जी विधानसभा पे है, इनको दर्शन करना अपने आप में इसमें क्या मुंशी बटालियन आजमगढ़ कमांडेंट रहा इसी नाते पूरे समय ये पुस्तक आप जो है प्रधानमंत्री का और ये महाराज जी का कथन लिखा। सबसे पहले मैं बाबा गोरखनाथ जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। यहाँ मैं 7 बरस तैनात रहा हूँ और इस मंदिर में मेरे यहाँ करके मैं दर्शन प्राप्त करता रहता हूँ। आज चुनाव है 2022 का और योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार 5 साल अभी पूरे कर रही है, ये कार्यकाल ऐसा रहा जिसमें विकास की गंगा बही। और विकास तभी होता है जब प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छी रहती है। मैं तो 37.5 बरस भारतीय पुलिस सेवा में रहा है और मैंने पहली बार देखा कि जिस तरह विकास के साथ साथ माफियाओं पर कार्रवाई हुई वैसा कभी नहीं हुआ। मैं उस चीज़ को बोल नहीं सकता एक पुलिस अधिकारी के नाते कि पूरे देश में और इस प्रदेश में
बम के धमाके होते थे। इसी गोरखपुर में 22 मई 2007 को गोलघर गोरखपुर में धमाका हुआ था इंडियन मुजाहिदीन का, मैं एडजिलॉन ऑर्डर था। 23 नवंबर 2007 को लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी में हुआ था धमाका, और वो भी इंडियन मुजाहिदीन का, 15 लोग मारे गए थे। इसके बाद 2006 में हुआ था दशाश्वमेध घाट, 8 लोग मारे गए थे। संकट मोचन ब्लास्ट हुआ था मंगलवार के दिन आतंकवादियों ने, और वो भी हुआ था 42 लोग मारे गए थे। शीतला घाट पर ब्लास्ट हुआ था, और इसके अलावा रामपुर अटैक हुआ था 31 दिसंबर 2007 की रात में लश्करे तोयबा का, उसमें 7 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। तो इस प्रदेश में जो ब्लास्ट होते रहे, इसके अलावा देश में जयपुर ब्लास्ट, अहमदाबाद ब्लास्ट, दिल्ली, बटला हाउस, जर्मन बेकरी, बंगलौर, गोकुल चाट, लुम्बिनी गार्डन, हैदराबाद, ये पूरे देश में जो धमाके होते रहे वो करता रहा इंडियन मुजाहिदीन। इंडियन मुजाहिदीन लश्करे तोयबा का नया अवतार है, और इसको हाफिज सईद ने बनाया था, और उन्होंने किया था इंडियन मुस्लिम को ट्रेन करके और इनसे धमाके कराए जाएं, जिससे विश्व पटल पर वो कह सकें कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। इसमें जो सबसे बड़ा माडोल निकला वो था आजमगढ़ माडोल। आजमगढ़ माडोल में जो बटला हाउस में मारा गया आतिफ अमीन संजरपुर आजमगढ़ का रहने वाला था, और ये माडोल जो बना, ये जितने ब्लास्ट मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे गोरखपुर का कचहरी ब्लास्ट हो, चाहे यूपी के कचहरियों में ब्लास्ट हो, चाहे बम्बई लोकल ट्रेन में 209 लोगों को मारा था 7 जुलाई 2006, दिल्ली में 3 ब्लास्ट हुए थे उसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। तो ये जो आजमगढ़ माड्यूल था पूरे देश में किया, और करीब 600-700 लोगों की हत्याएं की। 23 लोग यहां से आजमगढ़ से ट्रेनिंग किए थे मुजफ्फराबाद पाकिस्तान में, और उनका रूट था दुबई, दुबई से कराची, कराची टू मुजफ्फराबाद, और लौटते से काठमांडू करके। तो इतनी बड़ी घटनाएं होती रहीं, रोज धमाके होते रहे, और मुझे याद है मैं चूंकि उसका किरदार था, एटीएस का मैं फाउंडर चीफ हूं, एसटीएफ का चीफ रहा, क्राइम लाइन ऑर्डर का चीफ रहा, हम लोगों ने बड़ी मेहनत से इन अपराधियों को, आतंकवादियों को पकड़ा। रामपुर अटैक, इसमें इंडिया कमांडर सबाउद्दीन उसको पकड़ा, 2 पाकिस्तानी फिदायदीन इमरान शहजाद मोहम्मद फारूक पाकिस्तान के थे, रामपुर का था सोहेल अंसारी बाबा खान, इन सबको गिरफ्तार किया, चार्जशीट लगाई। कचहरी ब्लास्ट वाले केसेज में चार्जशीट लगाई तारिक कासमी खालिद मुजाहिद, गोरखपुर ब्लास्ट में जो 22 मई 2007 उसमें चार्जशीट लगाई, और अखिलेश जी आते हैं तो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि जितने आतंकवादी जेलों में बंद हैं हम उनको छुड़ाएंगे। मैं अदालत को सलाम करता हूं। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि श्रीमान आप कह रहे हैं जनहित में वापस ले रहे हैं, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं उसको आप जनहित कहते हैं, और मुकदमा वापस नहीं हुआ। रामपुर अटैक जो अखिलेश ने लिया था, 6 को सजा हुई, इसमें 4 को फांसी की सजा हो गई, 1 को आजीवन कारावास। गोरखपुर ब्लास्ट वापस लिया था, इसमें खालिद मुजाहिद तो मर गया था, तारिक कासमी को आजम कारावास, तारिक कासमी को गोरखपुर ब्लास्ट, लखनऊ ब्लास्ट, फैजाबाद ब्लास्ट, और बाराबंकी से गिरफ्तारी किया था उसमें ब्लास्ट। एक मैं जिसका मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, 18 मई 2013 को अखिलेश यादव ने मेरे खिलाफ हत्या का मुकदमा कायम किया था, रिटायर्ड डीजी विक्रम सिंह के खिलाफ किया था, और मेरे 42 पुलिस अधिकारियों, क्या था, एक मैसेज देना था आतंकवादियों के तरफ नज़र नहीं उठाना। और जब एक डीजी, मैं तो सर्विंग डीजी था, डीजी सिविल डिफेंस, जब एक डीजी सर्विंग के मुकदमा कायम होगा तो बड़ा साफ था। तो इसलिए आतंकवादी अखिलेश कार्यकाल में फलते फूलते रहे, एक अपराधियों को पनाह देते रहे, बड़े बड़े जितने यहाँ अपराधी हुए जो माननीय बनाए गए, चाहे अतीक अहमद हों इलाहाबाद के, चाहे मुख्तार अंसारी हों, चाहे विजय मिश्रा भदोही के हों, चाहे डीपी यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हों, जितने बड़े अपराधी, जितना बड़ा अपराधी उतना ही बड़ा समाजवादी। और इन सबको, और सबसे महाराज जी को, योगी आदित्यनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ
कि इन्होंने पहली बार, मैंने पहला मुख्यमंत्री देखा 37.5 वर्ष की सेवा काल में, जिसने इन अपराधियों की संपत्तियां जब्त की और जो अपराध अर्जित संपत्ति से तमाम इन्होंने माल, दुकानें, मकान बना रखा था, गरीबों के जमीन, सरकारी जमीन, उस पर बुलडोजर चला दिया। 2000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति जमींदोज कर दी गई इन अपराधियों की। ये पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ है, इसके पहले किसी ने नहीं किया। और इन्होंने जो दंगाइयों की थी, जो संपत्ति की क्षत किया, उनसे रिकवरी कराई, तो प्रदेश में एक जो शांति सुरक्षा का माहौल बनाया, और जब शांति सुरक्षा का माहौल बनता है तब विकास होता है। मैंने वो जमाना देखा है जब समाजवादी पार्टी सरकार में अपहरण एक उद्योग बन गया था। हमारे कार्यकाल में ददुआ ठोकिया बड़े बड़े अपराधी मारे गए। एक था जो चंबल का बाद में सबसे बड़ा निर्भय गुजर, उसने टीवी पर कहा था कि सैफई परिवार के फला बड़ा नेता को सोने का मुकुट पहनाया, फला को चांदी का मुकुट पहनाया, तो सैफई परिवार के लिए चंबल के डकैतों से मुकुट पहनते थे। बांदा ददुआ 32 साल फरार रहा, उसको नॉर्थ इंडिया का बीरप्पन कहा जाता था। मेरे ही कार्यकाल में ददुआ मारा गया, और ददुआ जब फरार था, जिसके ऊपर 200 से अधिक हत्याएं, अपहरण के केसेस UP MP से दर्ज थे, उस दौरान मान ली ये समाजवादी पार्टी है, उसके भाई बाल कुमार को सांसद बनाया, उसके बेटे वीर सिंह पाला निर्विरोध जिला परिषद अध्यक्ष बना मादा का, उसके बाद विधायक बना, उसके भतीजे राम सिंह को समाजवादी पार्टी ने टिकट देकर प्रतापगढ़ से MLA बनाया। उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी? एक क्वालिफिकेशन थी, ददुआ का भाई, ददुआ का भतीजा, ददुआ का बेटा। पाठा क्षेत्र में चित्रकूट और बांदा में ददुआ तय करता था, ठुकिया तय करता था, प्रधान से ले करके ब्लॉक प्रमुख, जिला परिषद और विधायक और सांसद। आज वो मिथ टूट गया। चंबल के बड़े बड़े गैंग तय करते थे, और उसमें सबसे बड़ा रोल था जो इनको इस्तेमाल करती थी, वो थी समाजवादी पार्टी। योगी आदित्यनाथ जी ने इस 5 साल के कार्यकाल में इन अपराधियों की कमर तोड़ दी है। आज प्रदेश जानता है कि अगर कहीं धोखे से भी अखिलेश सरकार, जो लोग दम भरते हैं, ये जानती है, जनता जानती है, आ जाएंगे तो प्रदेश में आतंक का वातावरण पैदा कर देंगे। एक काम है इनका, वसूली, पेट्रोल पंप से पेट्रोल ले लेंगे, पैसा नहीं देंगे, व्यापारी से सामान लेंगे, पैसा नहीं देंगे, पीटेंगे। और इसमें जो सर्व समाज है, सबने BJP को वोट दिया है। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए हैं, कानपुर का तो मैं 3 विधानसभाओं का मैं प्रभारी रहा, सीसामऊ, कैंट और आर्यनगर। अभी पश्चिम में एक बड़ा अच्छा ट्रेंड आया है कि वहाँ जो ये लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं कि जाट जो हैं बहादुर कौम है, कि इन्होंने वोट नहीं दिया है, जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट रहे वहाँ हमारे जाट बिरादरी ने साइकिल पर वोट नहीं दिया है, BJP को वोट दिया है। बाकी जहाँ लोकदल भी रहा है वहाँ भी हमें वोट मिला है। और ये जो सबसे बड़ा हुआ कराना में जो पलायन हुआ था, मैं भी जांच कमेटी का मेंबर था, जहाँ फुरकान मुकीम काला जो मारा गया अभी चित्रकूट में गैंगवार में, इन लोगों से हिंदुओं का पलायन हुआ था। आज योगी आदित्यनाथ की सरकार में पलायित जो हुए थे हिंदू, उनको बसाया गया है। आज पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जानता है कि जो अराजकता का माहौल था, जो जंगल राज कायम हुआ था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आज जो शांति आई है और जो आज विकास हो रहा है, वो महाराज की सरकार की वजह से हो रहा है। वहाँ एक चीज़, एक बड़ा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है। वहाँ एक कौम है दलित की, जाटो बिरादरी कहलाती है। जाटो बिरादरी हाथी की, बहुजन समाज पार्टी के हमेशा आँख मूंद कर वोट देती थी। आज उन्होंने देखा कि बहन जी कमज़ोर हुई हैं, और कहीं कमजोरी की हालत में कहीं अखिलेश ना आ जाए या साइकिल ना आ जाए, क्योंकि दलित अगर पिटता है, सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा अपमानित दलितों को करती है, उन्हें रिवर्ट किया, हजारों की संख्या में अपमानित किया, वो समाजवादी पार्टी ने किया। इसलिए वहाँ के दलितों ने, जाटो बिरादरी ने भी, जो ट्रेडिशनल वोट बैंक था बहन जी का, उन्होंने कमल के निशान पर मोहर लगाई है।
तो हम भारी प्रचंड बहुमत से ये जीत रहे हैं, क्योंकि पूरा प्रदेश जानता है कि जो विकास की गंगा बही है वो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हुई है, और साथ ही साथ आज बड़े बड़े अपराधी बिलों में हैं। कांग्रेस मुख्तार अंसारी कहाँ रखा था? पंजाब में। पंजाब में कोई वोट बैंक नहीं है मुस्लिम का, केवल एक था राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का, सोनिया गांधी का, कि योगी जी के ताप से अगर बचाएंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक मैसेज देंगे। तुम्हारे एक बड़े अपराधी मुख्तार अंसारी को मैंने पंजाब से यूपी में नहीं आने दिया। ये सबसे बड़ी प्रदेश में पहली बार हुआ, देश में पहली हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट में जाने पर मुख्तार अंसारी को लाया गया और बांदा की जेल में आज वो आम कैदी की तरह से रह रहा है, जबकि सपा सरकार में उसका वहीं से दरबार चलता था। मैं उस दिन को नहीं भूल सकता, गाजीपुर जेल में उसके लिए मछली का तालाब खोदा गया था। गाजीपुर में DMSP जाते थे, बैडमिंटन उसके साथ खेलते थे। गाजीपुर का बैरक नंबर 10 आसियाना बना था, और जितने बड़े अपराधी थे समाजवादी पार्टी ने सबको इकट्ठा करके वहां तैनात कर दिया था। तो ये जो ये मुख्तार अंसारी 2005 से बंद है, और जो आतंक का वातावरण कायम हुआ हो महाराज जी की सरकार में, ये खत्म हुआ है। तो ऐसी सरकार को आज प्रदेश की जनता जानती है कि ये BJP सरकार को लाना है, नहीं तो ये जंगल राज कायम करने के इनके मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे। मैं भी अभी तमाम जिलों में गया था, कानपुर का तो मैं प्रभारी था, झांसी गया था, गोंडा, हरदोई, लखनऊ के उसमें था, अभी गया था देवरिया में रहा, और सब लोग हम लोग भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां और उपलब्धियां के साथ साथ कानून व्यवस्था, क्योंकि देश जानता है, प्रदेश जानता है, भले हम आधे पेट खाना खा लें लेकिन हमारी इज्जत आबरू सुरक्षित रहनी चाहिए, बहन बेटियां सुरक्षित रहनी चाहिए, डर भय का माहौल नहीं होना चाहिए, और वो केवल भाजपा सरकार में ही संभव है, जो इस 5 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने प्रूव कर दिया है, सिद्ध कर दिया है। और ये मैं पब्लिक को कहना चाहता हूँ कि पब्लिक क्या चाहेगी, आतंकवादी जो देश में आतंक का माहौल पैदा किए उसको अखिलेश सरकार छोड़ रही है, छोड़ी थी, और इनको शर्म आनी चाहिए, जो इन्होंने छोड़े थे उनको फांसी की सज़ा, और हाजिम कारवा सजा हुई, मेरे खिलाफ मुकदमा कायम किया, मुझे जेल भेजने का प्रयास किया, मैं DG सिविल डिफेंस था, और उस समय मेरे अधिकारी ने कहा कि सर आप हट जाएं नहीं आपको गिरफ्तार कर लेंगे। मेरा 2 साल का कार्यकाल बाकी था, मैंने कहा अगर राष्ट्रवाद में राष्ट्रहित में काम किया है, जेल जाना पड़ा तो मैं जेल जाऊँगा। इन्होंने CBI को मुकदमा दिया, CBI ने लौटा दिया, क्राइम ब्रांच CID को दिया, और ये हुआ कि किसी तरह से करके मुझे जेल अगर भेज देंगे तो ये एक मैसेज जाएगा कि ब्रजलाल को जेल भेज दिया तो अल्पसंख्यक वोट 14 के इलेक्शन में ये चला जाएगा समाजवादी पार्टी को, और ये इनका था। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तब उस मर्डर से मुक्त हुआ। अभी आपने अहमदाबाद ब्लास्ट देखा है, अहमदाबाद ब्लास्ट जो है उसका जो एक मुख्य किरदार था अबू बसर मौलाना, इसको मैंने आजमगढ़ से मैंने गिरफ्तार करके दिया था। जयपुर ब्लास्ट का सलमान छोटू को मैंने दिया था। अभी 38 लोगों को फांसी की सज़ा हुई है अहमदाबाद ब्लास्ट में, जिसमें 5 आजमगढ़ के हैं, एक मोहम्मद सादाब उर्फ मिस्टर, उनका एक बेटा डॉक्टर शाहनवाज, इंडियन मुजाहिदीन का आतंकवादी कहा जाता है, सीरियम लड़ते मारा गया, उनका एक बेटा मोहम्मद सैफ जो बटला हाउस में गिरफ्तार हुआ था, अभी फांसी की सज़ा हो चुकी है, और मोहम्मद सादाब उर्फ मिस्टर आजमगढ़ में साइकिल के लिए प्रचार कर रहा है। तो ये शर्मनाक जो घटनाएं हुई हैं, जो अखिलेश सरकार में हुई हैं, अपराधी पाला गया आतंकवादी, इसको प्रदेश कभी भूल नहीं सकता, और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से दोबारा यहाँ सत्ता में आ रही है। थैंक यू।